मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसके दोनों पक्ष के लोग स्वीकार करें, देश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। इसलिए दोनों समुदाय के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, अपने अपने धार्मिक स्थलों से अपील कर रहे हैं कि फैसला जो भी आएगा देश में भाईचारा बना रहे, श्रद्धाव बना रहे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि अब विवाद का हल होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला है। ऐसे में सरकार से लेकर सभी लोग श्रद्धाओं की अपील कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे, फैसले जो भी आए उसे दोनों समाज खुशी मन से स्वीकार करेगा। हम अपने घरों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनेंगे, किसी भी तरीके का कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन या विजय जुलूस नहीं निकालेंगे। फैसला जो भी हो उसको स्वीकार किया जाएगा। और यह मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में रहकर संविधान को माना जाए। हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है, ऐसे में देश का मुस्लिम देश का वफादार है। सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना होगा। पहले हमारा देश हिंदुस्तान है, उसके बाद हम मुसलमान हैं। देश का मुसलमान देश की तरक्की चाहता है, देश का मुसलमान देश का वफादार है। देश के मुसलमान ने हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन दास का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद चलता रहा, लेकिन अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा और ना ही कभी कोई भेदभाव रहेगा। हम पूरे देश को अपने कुटुंब मानते हैं, तो ऐसे में भेदभाव किस बात का। अयोध्या के रहने वाले लोग भगवान श्री राम को प्रिय हैं, तो ऐसे में किसी भी संप्रदाय के हो उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। अयोध्या में सामंजस्य भाईचारा श्रद्धा सदैव कायम रहा, यहाँ कोई विवाद नहीं है, अयोध्या शांत है और शांत रहेगा। देखिए, ये तो अभी अगस्त से शुरू हुआ, इसका निस्तारण की अब निश्चित है निस्तारण हो जाएगा। और इसके पहले भी हम लोग पूरे अयोध्या के लोग बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद में किसी प्रकार की ये भावना नहीं आई कि हम लोगों के बीच में कोई ऐसा दुराव है। पहले से भाईचारे की बात चलती रही, आज भी चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। जो यहाँ के लोग हैं हम तो ये समझते हैं कि हमने बता दिया कि जब हम पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं तो अयोध्या के अयोध्यावासी हैं, भगवान जो अयोध्या में रहे अयोध्यावासी हैं, जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। यही नहीं, उन्होंने कहा जद्दब सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण बिरज जग जाना, अर्थ अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। तो यहाँ पर अयोध्या के वासी हैं और वो भगवान राम के लिए सभी प्रिय है, नहीं भेद किया है कि अमुक जात अमुक पंथ अमुक संप्रदाय के, सभी को सभी अति प्रिय है। जब राम के लिए जो अति प्रिय हमारे पर ब्रह्म परमात्मा है जिनकी हम उपासना करते हैं, तो हमारे लिए अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति प्रिय हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामंजस्य और सद्भावना भाईचारे की बात वो होती आई है, होती रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आएगा, न किसी प्रकार की अशांति होगी। पहले से शांत अयोध्या है और शांत रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ अयोध्या में जो है फैसला जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का होने वाला है, कोर्ट इसका फैसला करने जा रहा है, तारीखें पड़ी हुई है। सरकार की तरफ से भी अपील हुई है और हमारे यहाँ लखनऊ से भी अपील हुई है, अयोध्या से भी हमारे यहाँ इमाम बाकी पक्षकारों लोगों ने भी अपील किया है कि फैसला को जो है जो भी कोर्ट करेगा उसको माना जाएगा। फैसला जो कुछ भी जो है कोर्ट करेगा हम अपने घरों में बैठ के मानेंगे, कोई धरना नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई जलसा जलूस नहीं निकालेंगे, ना कोई अभद्र जो है हम लोग टिप्पणी भी करेंगे। इसका जो है इसके लिए मस्जिदों से जो जितने भी इमाम थे अयोध्या फैजाबाद के, वहाँ से ऐलान हो चुका है, माननीय शासन और प्रशासन दोनों ने ऐलान कर दिया है, हर जात के लोगों को हर धर्म के लोगों को ये ऐलान किया गया है कि जो भी फैसला कोर्ट करे उसको अपने घरों में बैठ के मान लें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे देश का नुकसान हो। हम भी यही चाहते हैं कि फैसला कोर्ट करेगा आप लोग घर बैठ के मानिए, हिंदुस्तान में रहते हैं संविधान को मानिए, संविधान के जो है रक्षा कीजिए, क्योंकि ये हमारा देश जो है ये पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, इतना बड़ा देश हमारा हिंदुस्तान का है। जब हम हिंदुस्तान के वफादार हैं तो देश का कानून भी मानेंगे, जो कोर्ट करेगा उसको आलिम भी मानेगा, और मौलवी हो चाहे मौलाना हो चाहे नेता हो चाहे पक्षकार हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मानना सबको पड़ेगा, यही उनका फर्ज बनता है।
अच्छा, भारत में मुस्लिम समाज रहता है तो अपने आप को किस तरीके से महसूस करता है? देखिए, भारत का मुस्लिम जो है पहले हिंदुस्तान है फिर मुसलमान है। हम लोग हमेशा कहीं पे जो है देश का कहीं नुकसान नहीं चाहे, ना कहीं पे हम लोगों की जो है गद्दारी मुसलमानों के कहीं सामने आई है। हम हमेशा, हमारे यहाँ आलिम जो है हो चाहे मौलवी हो चाहे मौलाना चाहे मुसलमान, हमेशा देश के वफादार रहे। अगर वफादार ना होते तो आज भी हिंदुस्तान में जो है जो हिंदुस्तान में इतनी चीज़ों मुगल दौर में बनाए गए हैं कि आज लोग उसको देखने जाते हैं। हम जो है हिंदुस्तान में वो काम किए हैं कि जो हमेशा देश के लिए तरक्की माना जा रहा है, और आज भी हम हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं और देश को जो है हिंदुस्तान को इतना बड़ा देखना चाहते हैं कि पूरे देश विदेश में अगर नाम कभी हिंदुस्तान का आवे तो एक नंबर पर देखा जाए। वो अपील हम करते हैं मुसलमानों से और हिंदुओं से, हिंदुस्तान का नाम रोशन करो कि पूरी दुनिया में जाना जाए।